नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हम सारे शिक्षक साथी जिनका अभी तक स्टडी सेंटर का पता नहीं चला है, वो काफ़ी परेशान हैं कि उनका स्टडी सेंटर अभी तक क्यों नहीं आया है और क्यों हो भी ना परेशान, क्योंकि जो दोस्तों सारे काम जो हैं वो अधिकतर स्टडी सेंटर पर होने हैं, जैसे कि असाइनमेंट का जमा करना, PCP, WBA, SBA और PT, ये सब जो प्रैक्टिकल क्लासे हैं वो हम लोगों को स्टडी सेंटर पे ही सब देना है। तो जब तक स्टडी सेंटर पता नहीं चलता, हम आगे की तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि जो NIOS के वेबसाइट पे है, स्टडी सेंटर को लेकर के जो अपडेट था वो आ गया है, और लगभग पूरी तरह तो नहीं लेकिन 90% जो अपडेट हैं वो हो चुके हैं, और आप अपना स्टडी सेंटर आप अपना जा करके उस वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोस्तों, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे सीधे उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और अपना डिस्ट्रिक्ट चुन करके अपना स्टडी सेंटर को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और ऊपर में देख सकते हैं ग्रीन कलर का टेक्स्ट जो दाएं से बाएं और फ्लैश करते हुए जा रहा है। द PCPO फर्स्ट ईयर फॉर 15 डेज कैन बी शेड्यूल्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्टडी सेंटर, फॉर डिटेल्स क्लिक ऑन द स्टडी सेंटर कॉर्नर। जबकि पहले कुछ और लिखा हुआ आता था, और उसमें लिखा हुआ था कि जो है कि आप लोग को 31 जनवरी तक PCP क्लास अटेंड करना है। तो दोस्तों, घबराएं नहीं, आप सभी का जो है 31 जनवरी तक हम मेरे ख्याल से जो है सबका PCP क्लास स्टार्ट हो जाएगा और शेड्यूल जो है वो 31 जनवरी तक खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों, हम लोग आते हैं स्टडी सेंटर की बात कर रहे थे कि स्टडी सेंटर का कैसे पता चलेगा। जब हम लोग नीचे स्टडी सेंटर पे आते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है स्टडी सेंटर कॉर्नर, जब इस पर हम लोग टच करते हैं दोस्तों, तो सबसे ऊपर में जो लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टडी सेंटर रिसीव टिल डेट, जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें स्टेट वाइज आपका सिर्फ जो है कि आपका स्टडी सेंटर का लिस्ट दिखाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने देखा बिहार में कितने, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से इस तरह सा कर रहा है, क्योंकि अभी जो ये वेबसाइट में है वो कुछ काम भी चल रहा है, इसकी वजह से बहुत जो इसमें है इरर दिखा रहा है, सर्वर इरर इन एप्लीकेशन इस तरह से कुछ लिख करके आता है। तो दोस्तों, ये देखिए पूरे बिहार का स्टडी सेंटर है, ठीक है, लेकिन इस लिंक से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन कौन स्टडी सेंटर बना है। जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए अररिया में टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, 10,203, रिक्वायर्ड कितना है स्टडी सेंटर का, तो 103, लेकिन बना है सिर्फ 53। लेकिन हम लोगों को स्टेट वाइज नहीं बल्कि जिले वाइज देखना है कि एक जिला में कितना स्टडी सेंटर बनता है। तो उसके लिए हम लोग एक दूसरे लिंक को फॉलो करते हैं, इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे इस वेबसाइट पर आ जाते हैं। मैंने पहले से ही यहाँ पे उस लिंक को फॉलो कर लिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हम लोग आ जाते हैं इस लिंक के जरिए यहाँ, और इस पे हम लोग सिलेक्ट स्टेट जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, स्टार्टिंग से ही दिखाता हूँ अंडमान निकोबार। जब मैंने अंडमान निकोबार सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर ज़िले में, एक स्टेट के हर ज़िले में लगभग लगभग सब का आ गया। मैंने अभी चेक किया अंडमान का, अब मिडिल एंड नॉर्थ एडवांस चेक करते हैं। देखिए सिर्फ यहाँ पे नॉट रिकॉर्ड फाउंड लिख रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो हैं दोस्तों वो आ गए हैं। अब मैं बात करता हूँ बिहार की, तो बिहार में लगभग लगभग सारे जो हैं वो बन चुके हैं। कुछ ही ऐसे होंगे जहाँ स्टडी सेंटर का पता नहीं होगा, लेकिन लगभग लगभग बन गया। कुछ दिन पहले तक अररिया में जो था वो स्टडी सेंटर नहीं पता चल रहा था। उसी तरीके से अरवल में चेक करें दोस्तों, अरवल में भी आ गई है। मैंने बहुत सा जिला का चेक किया, वहाँ पर लगभग लगभग सभी के आ गए हैं। अब औरंगाबाद बिहार का ही ले ले, देखिए यहाँ पे भी सब बन गए हैं। पहले कुछ ही का दिखाई देता था, 20 या 25, अब कुछ ज़्यादा हो गए हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि स्टडी सेंटर की जो लिस्ट थी वो अपडेट हो गई है, और आप इस लिंक को फॉलो करके अपना स्टडी सेंटर देख सकते हैं। और अगर आपको स्टडी सेंटर आपके ब्लॉक में मिल जाए तो वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं स्टडी सेंटर के, ये देखिए उनका नंबर है यहाँ पे, इस नंबर पर कॉल करके आप उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि PCP की क्लास कब तक चलेगी। तो दोस्तों, ये जानकारी थी जो अपडेट आई हुई थी, सोचा आप लोगों को बता दूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की जानकारी और इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।